1179 करोड़ रूपयाना खातमुहूर्त लोकार्पण आदरणीय अमित भाई वर्चुअली माध्यम थी एमना हस्ते दिल्ली थी एमने कराया छे। भूपेन्द्र भाई विशेष उपस्थिति में यह कार्यक्रम छे। माननीय भूपेन्द्र भाई राज्य की जनता ने संपूर्ण रीते डेडिकेशन साथ काम करवा माटेनो विश्वास अने भरोसो हूँ आपना माध्यम थी राज्य की जनता ने जणावुं छुं कि आपे मूकेलो विश्वास अने भरोसो ये भारतीय जनता पार्टी नी अमारी सरकार चाहे गुजरात में भूपेन्द्र भाई नेतृत्व हो चाहे देश में नरेन्द्र भाई अमित भाई नेतृत्व हो क्यारे आ विश्वास ये अमे तोड़वा दईशुं नहीं। आप सौ मूकेलो विश्वास ने आप सौ जोयेला सपनाओ ये नरेन्द्र भाई मोदी नेतृत्व में ड्रीम्स मीट थ्रू अपने जाए कि आ सपनाओ था हकीकत धरती पर चाहे गिफ्ट सीटी हो चाहे साइंस सीटी हो चाहे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी हो चाहे डेजर्ट रण हो चाहे वाइब्रंट समिट हो चाहे एग्री समिट हो चाहे एजुकेशन समिट हो चाहे आरोग्य समिट हो आ बधा थी सामान्य जनता ने अनुभूति थई रही है कि बदलाव ये एमना जीवन की अंदर थयो छे। हूँ आपना माध्यम थी समग्र राज्य की जनता ने जणावुं छुं कि आपे मूकेलो भरोसो ने विश्वास ए जे सपनाओनुं वावेतर मैं कीधुं छे ए साच अर्थमां हकीकते धरती पर उतारीने बतायवुं छे। सपनाओ बतावा अने सपनाओने हकीकत धरती पर उतारवा ए बेमां खूब मोटो फर्क छे। जनता जनार्दनना अविरत आशीर्वाद जे 2022 मां पण आपवा जई रह्या छे અને એમના કારણે એ શક્ય બન્યું છે એટલે જનતાનો આભાર પણ માનું છું રાજ્ય સરકાર વતી કે આપે મૂકેલો ભરોસો ચાહે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થા હોય ચાહે વિધાનસભા હોય કે લોકસભા હોય જેટલું પણ થઈ શકે એટલા પાર્ટીના આગેવાનો એ સમયની માંગ સાથે કરતા આવ્યા છે અને કરતા રહેવાના છે। આદરણીય અમિતભાઈએ પણ ખૂબ પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરી છે ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વની અને એમની ટીમની એક વર્ષમાં થયેલી કામગીરી पुनः एक बार आ सळंग चालती सरकार छे एक विचार साथे चालती सरकार छे 20 वर्षनो विश्वास थकी विकास यात्रा शक्य।